तो ये मेरे गांव का दूसरी तरफ से ऐसे दिखाई देता है, वो सामने की तरफ गांव है और ये इस तरफ से मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया है। ये रहे यहाँ पे खेत। वैसे ये खेत है तो सीढ़ी नुमा, लेकिन आपको ऐसी प्लेन दिखाई दे रहे होंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े खेत हैं, है तो सीढ़ी नुमा ही लेकिन है बहुत बड़े बड़े। ये देखो ये सामने की तरफ गांव है हमारा, आगे नीचे की तरफ भी दिखाऊंगी मैं आपको। और मैं इनको लेके आई हूँ साथ में तीनों को। ये देखो इस तरफ को ऐसे हैं खेत और ये लिंक रोड है हमारे गांव के लिए। तो ये देखो मैं गांव दिखाती हूँ। गांव जो है ना वहां से शुरू होता है, जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको वहां वहां से नीचे नीचे यहाँ नीचे तक घर है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो दूसरा गांव है कुंहर। मुझे बोला भी था किसी ने कि कुंहर भी दिखाना, तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ अगर आपको अपना घर दिख जाए जो भी है कुंहर से। ये देखो ये रहा कुंहर, यहाँ पे मेरी बुआ का घर है, मतलब मेरी बुआ का ससुराल है यहाँ पे। ये जूम करके आपको नज़दीक दिखाई दे रहा है बस, बाकी वैसे ये है बहुत दूर। और अपना वाला जो गांव है हमारा, ये रहे नीचे वाले घर जो कि यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं, यहाँ पे नीचे जो आपको पीले पीले से और ये नीले दरवाजे वाले दिखाई दे रहे हैं ये। तो गांव पूरा मतलब इतना नीचे तक है। और इसी तरीके से ना ये देखो खेत भी यहाँ यहाँ से नीचे 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 तक काफी ज्यादा खेत हैं। आगे से कैसा व्यू है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही मेरे गांव की सड़क, पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही है। और ये देखो यहाँ पे इनकी एक्सरसाइज चल रही है, हेलो तीनों की हाय। और ये देखो पीछे की तरफ गांव, थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने आपको बैक कैमरा से दिखाई दिया है पर चलो फिर भी। और ये वाला जो एरिया है, ये घास वाले जो पोर्शन होते हैं ना वो है। और नीचे की तरफ ना मैं आपको खेत दिखाती हूँ और जहाँ पे हम घास लेने जाते हैं वहाँ पे भी अगर हो सका तो दिखाऊंगी मैं। यहाँ से खेत अच्छे से प्रॉपरली जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी और थोड़ा जो है वो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्यूज और गांव पूरा भी दिखा दूंगी। यार तुम बहुत जोर से बोलते हो, कान खा जाते हो मेरे। चलो गो। ये गाड़ियां ज्यों की त्यों खड़ी हुई है क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन है उस दिन से गाड़ियां भी ऐसी खड़ी है। और सड़क में ना बच्चों को अभी फिलहाल चलने में कोई डर नहीं है ऐसा, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही है तो बच्चे भी आराम से चल सकते हैं। हट राशि साइड हट, पिपलू घाट। ये देखो यहाँ से सोलन 75 है, अर्की 28 है, पिपलू घाट यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है। कदम कदम पर ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का जो पोर्शन आपने कभी नहीं देखा वो दिखाती हूँ, क्योंकि ये चलते हुए नहीं मैं दिखा सकती हूँ, मतलब गांव में घूमते हुए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि रास्ता पीछे पीछे से जाता है। तो ये है जो पूरा गांव है यहाँ तक, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना नीचे 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 वाले घर यहाँ तक, ये देखो ये ऐसे। और ऊपर की तरफ का तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन ये देखो। और ये हमारे गांव से सामने वाला गांव जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको कुंहर, फिर से जूम करके दिखा देते। तो ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पे गांव। और ये खेत देख सकते हो आप कितने सीढ़ी नुमा खेत है, ये छोटे छोटे हैं हमारे वाले, कुछ खेत छोटे छोटे भी हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं। और यहाँ से जो लोकल मार्केट है, जैसे ये मेरा गांव है सामने, ये जो आपको छत दिखाई दे रही है हरी हरी सी, तो यहाँ से लोकल मार्केट जो है जूम करके ही दिखा पाऊंगी मैं आपको। ये रही और ये रही सामने वाली पहाड़ियाँ जो मेरे घर से घर के साथ वाली हैं एक्चुअली। लगता है मुझे उल्टी आने वाली है। और ये देखो गांव से इतना दूर ये जो नीचे आपको छोटे छोटे से ये दिखाई दे रहे हैं ना, एक मिनट में जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये अलग अलग से सिंगल सिंगल से घर दिखाई दे रहे हैं, ये पशुओं को बांधने के लिए, कुछ लोगों के थोड़ी दूर दूर होते तो यहाँ पे पशुओं को बांधने आते हैं।
दिन में बाहर बांधते हैं और रात में बाहर बांध देते हैं। और ये होता है घास काटने वाला, जिसको हमारे यहाँ पे कैणी बोलते हैं, कैणो घासनी भी बोलते हैं, जहाँ से घास लेके जाते हैं। तो ये तो सड़क के साथ ही है, बट हमारा वाला काफी दूर है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको अपने वाला भी दिखाऊंगी। तो ये देखो, ये हमारे घर से थोड़ा सा आगे आके सामने का व्यू है, जहाँ से दाड़ला, शिमला, कुनिहार सब नजर आता है। और ये जो ये छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये सड़क के साथ पहले हम लोग यहाँ पे खेलने आते थे, और ये चढ़ना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल लगता था। चलो आ जाओ, गाड़ी आ गई, कौन है ये ऊपर। और ये रहा जो एरिया आपको बिल्कुल साफ साफ सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये सामने वाली जो पहाड़ी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आते हैं हम लोग घास काटने के लिए। ये हमारी घासनी, मतलब वैसे तो इसको भी क्रॉस करके है, तो ये यहाँ पे घासनी और गांव जो है वो यहाँ कहीं पीछे है, इस पहाड़ के पीछे। तो इतनी दूर आते हैं हम लोग घास लेने के लिए। इसके आगे वाली है, ये वाली हमारी नहीं है, इसके आगे वाली हमारी है जो यहाँ से नजर नहीं आती है। तो ये देखो, और ये रही लोगों की घास नहीं। ये देखो यहाँ पे ऊपर घास भी काट रहे हैं कुछ लोग। ये रहे, तो ये रहा सामने से बातल वाला जो एरिया है, बातल घाटी, अगर जो लोकल है उनको पता होगा। ये सामने जो नजर आ रहा है वहां पे सामने, ये यहाँ का वो था ना, कॉलेज बना था, अभी तो बंद है फिलहाल, पॉलिटेक्निक का कॉलेज था, पॉलिटेक का। तो ये देखो सामने का व्यू ऐसा है, और इस तरफ को दाड़ला है, और ये सामने वाला एरिया, और पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये वाली, ये शिमला की है, और कुनिहार उस तरफ को है। तो ये रे फेगड़े, इनको हमारे यहाँ पे दाउगले भी बोलते हैं वैसे तो। एक मिनट में आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो फेगड़े हैं ये, दाउगले भी बोलते हैं इनको। इनकी सब्जी बनती है, और जैसे कांटा वगैरह चुभ जाता है ना किसी को, तो उसमें अगर इसका ये दूध सा निकलता है, ये देखो निकल रहा है, इसका ये दूध लगाओ ना तो कांटा निकल के ऊपर आ जाता है, स्किन से थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो ये दागले हैं, फेगड़े बोलते हैं इनको मेरे ससुराल की तरफ, बट मायके की तरफ बोलते हैं इनको फेगड़े, फेगड़े नहीं सॉरी दाउगले, दागले भी बोलते हैं, दाउगले बोलते हैं। ये देखो इसकी सब्जी बनती है, अगर मम्मी वगैरह बनाते होंगे तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी बना के। ले जाने पड़ते हैं, ये तोड़ने पड़ते हैं, पत्ते भी काटते हैं साथ में। और ये जो ये पेड़ है ना, जिसमें आपको ये चेरी टाइप सी दिखाई दे रही है, ये चेरी नहीं है, ये पजोलू है, पाजा का पेड़ होता है ये, और ये पजोलू, इसको हम बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे। अभी ये थोड़ी कच्ची है, लेकिन जब ये थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाती है ना, थोड़ा सा चेरी कलर आ जाता है इसमें, एग्जैक्ट चेरी कलर जब आ जाता है तो इसको खाते हैं हम लोग, इसके अंदर से बीज निकलता है। ऐसे बीज होते हैं इसमें, पजोलू भी बोलते हैं उसको, पजोलू ही बोलते, चेरी नहीं बोलते, चेरी तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पजोलू होता है वैसे ही, पाजे के पेड़ में लगता है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम का, शाम के 5:30 बजे का टाइम है, और मैं आ गई हूँ अपना ये बर्तन उठा के यहाँ पे घर के पीछे की तरफ, जो हमारा गार्डन है छोटा सा, वो वहाँ से मैं मटर ले जाऊँगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू मटर और बढ़िया। तो बस ये यहाँ से मटर निकाल के ले जाऊंगी मैं फ्रेश। घर की सब्जियों का ये फ़ायदा होता कि जब जैसे दिल करो तब गए निकाला और सब्जी को निकाला और आ गए। तो बस यहाँ पे मैं मटर जो है अच्छे खासे लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी सब्जियाँ हम खा चुके हैं इन मटर से, तो बस ये निकाल लूँगी मैं, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी डालियाँ लगी थी, इसमें से कुछ जो है हमने निकाल दी है, मतलब मम्मी ने उखाड़ दी है वो, ताकि मटर जो है अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि बहुत सारी होती है ना तो फिर एक भी डाली अच्छे से ग्रो नहीं करती है। तो यहाँ पे कुछ मटर छील के मैं ऐसे ही अपने कुर्ते में वैसे डाल रही हूँ, ये पुराना तरीका है ये सब कुछ करने का। तो ये रे इतने सारे मटर मैंने
तोड़ लिए एक टाइम की सब्जी के लिए। ये आलू मटर बनाएंगे हम आज और मैं छील के दिखाती हूँ बिना खाद के मटर। ये देखो एकदम हरे भरे ताज़ा ताज़ा और बहुत टेस्टी भी होते हैं खाने में। ये देखो इनमें ना कोई खाद नहीं है, सिर्फ जो गोबर की खाद होती है ना हमारे यहाँ पे बस वही खाद है, बाकी बाजार वाली वैसी कोई खाद नहीं है, केमिकल वाली कोई खाद नहीं है। तो धनिया भी निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा धनिया भी ले लिया है मैंने सब्जी में डालने के लिए, मतलब बाद में गार्निशिंग के लिए सब्जी में डालने के लिए फ्लेवर के लिए। ये ना मैंने नींबू का अचार बनाया है। अभी मैंने इसका ना शूट नहीं किया रेसिपी की कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी अभी पता नहीं है कि कैसा बना होगा। मैंने नए तरीके से ट्राई किया है, खट्टे मीठे खट्टा मीठा नींबू का अचार अभी मैंने ट्राई किया, देखते अगर ये अच्छा बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने अभी ये देखो इतना सा ही डाला है, आपने देखा हमारे यहाँ पे कितने नींबू है, तो ये 10-12 नींबू का ही डाला है मैंने, इतना सा ही डाला है। अगर ये अच्छा बनेगा तो फिर मैं बहुत सारे नींबू का बनाऊंगी, मैं ऐसे वेस्ट नहीं करना चाह रही थी मसाला। तो चलो अब मैं मटर छील लेती हूँ जल्दी से, मैं मटर छील लेती हूँ उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। आज बनाएंगे हम मटर आलू और बढ़िया तीनों मिक्स करके, बढ़िया जो मकंद बड़ी होती है ना वो बनाएंगे, तो उसकी मैं रेसिपी शेयर करूंगी जरूर आप लोगों से। तब तक मैं मटर छील लेती हूँ फिर उसके बाद मिलते हैं, उसके बाद करते हैं बात। ये रहे आलू मटर जो मैंने अच्छे से धो लिए है और पानी इनका सुखा लिया है, मतलब पानी निकाल दिया है। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये वाली, इनको बोलते हैं मकंद बड़िया, ये ऐड कर दूंगी, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सिंपल सी रेसिपी है, तो चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ जैसी भी है ताकि आप भी ट्राई कर सको। कुकर में ना मैंने चलेवा दे दिया है, ये देखो राख का, तो चलिए आलू मटर बढ़िया बनाना करते हैं शुरू। यहाँ पे कुकर में मैंने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, आप जो भी कुकिंग ऑयल डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। तेल गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड करिए थोड़े से मेथी दाने, और मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी और साबुत जीरा ऐड करूँगी इसमें, यही रहते हैं अपने सूखे मसाले, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो मेरा बनाने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और यही मसाले देखा होगा आपने मुझे ज़्यादातर ऐड करते हुए। और बस जैसे ही ये पक जाए मसाले, मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, और साबुत लाल मिर्च डाली है क्योंकि हरी मिर्चें आजकल है नहीं तो साबुत मिर्चें चल रही हैं, ये भी अपने घर की है साबुत मिर्चें भी लाल मिर्चें। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा इसमें मैंने ऐड किया है नमक और हल्दी, तो और मैं कोई मसाले फ़िलहाल इसमें नहीं ऐड करूँगी, नमक हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर जो होता है ना घर का ही जो होता है वही मैंने इसमें ऐड किया है, बाकी नहीं कुछ भी डालूँगी, जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा लगेगा। और ये मसाला पक के तैयार हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें आलू मटर ऐड कर दिया, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मैं डाल दिए इसमें बढ़िया, यानी कि मकंद बढ़िया, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इन बड़ियों को बताना मुझे, हमारे यहाँ तो मकंद बड़ियाँ बोलते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती हैं ये, मुझे वो मसाले वाली बड़ियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, जो दूसरी होती है ना अमृतसरी बड़ियाँ वो मुझे पसंद नहीं है टेस्ट में। और बस इसमें जैसे ये थोड़ा सा इसको पकाएंगे ना सब्जी, ये जो सूखे सब्ज़ियाँ हमने डाली हैं वो, उसके बाद पानी ऐड कर देना है, जितना भी आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर देना है। और बस फिर चूल्हे पे बना रही हूँ तो इसकी आंच ना चूल्हे की कम नहीं होने देनी है, जितनी है ये उतने में ही चलती रहे तो फिर पता लग जाता है सब्ज़ी का
कि कितनी देर में पकेगी। तो ये लीजिए ढक्कन हमने चढ़ा दिया है और बस ये एक दो सीटी में पक जाता है, अदरवाइज़ मटर गल जाते हैं। आलू भी एक दो सीटी में ही पक जाते हैं और बढ़िया भी एक दो सीटी में पक जाती हैं। तो ये रहे हमारे आलू मटर और बड़ियों की सब्जी जो है बनके रेडी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने हरा धनिया जो लेके आई थी वो इसमें डाल दिया है और बस अब हम खाएंगे खाना। और ये रही मेरी मम्मी, फुलके बना के हटी है अभी, देख लो और ले कनारो खे। और ये आदू मम्मी बांकी आई है तेड़ी जाए तेड़ी दसवीं जे पापा बांका है तो पापा तेड़ा जो बांका तेड़ा ही दसना कहो भाई। क्या मम्मी बोले भी मम्मी बड़े बड़े बांकी भी दसने, मतलब मम्मी तेड़ी जाए तेड़ी दसनी है, पापा जो बांका तो पापा तेड़ा ही दसना। कोई नहीं वीडियो ले लो ना, लो चार इस मां सब खा ले। ये मां अपने चैनल उत पानी में आ दोनों, आप अलग से खाओगे खाना कि मैं खिलाऊं आपको? अच्छा चलो ठीक है। तो डिनर भी हम लोगों का हो गया है और ये देखो किचन एकदम खाली हो गई है और अब हम जाएंगे सोने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे आदत के लिए दूध बनाना है। तो दूध यहाँ पे गर्म हो गया, थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, इसके ग्लास में डालूंगी और फिर इसके लिए लेके जाऊंगी। और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और कुछ नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी हो रही है, आप जो व्लॉग देख रहे होंगे तो जो भी उस टाइम पे होगा तो वही ग्रीटिंग्स ले लेना मेरी। तो चलो फिर बाय।